तो दोस्तों वेलकम टू कलसी एस्टेट। आज का प्रेजेंटेशन है द व्यू बाय अदानी रिलेटर एट घाटकोपर ईस्ट। लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों ये एलिवेशन है बिल्डिंग का, जहां पर आप देखेंगे यहां पर नीचे की तरफ दो लेवल बेसमेंट है, ग्राउंड है, एक लेवल पोडियम पार्किंग दिया गया है और उसके बाद 21 हैबिटेबल फ्लोर्स है। अब जितने भी एमिनिटीज है ये टावर के, ये इसमें चार टावर है, ये एक साइड का बताया गया, फिर ये दूसरे साइड का है, उसके पीछे ऐसे स्क्वायर में कंप्लीट होता है। और बिल्डिंग के बीच में यहाँ पर गैप्स दिया हुआ है तीनों तरफ, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर बढ़िया रहेगा। और जितने भी एमिनिटीज है वो, तो ये चारों क्लस्टर जो यहाँ पर ऐसे आप स्क्वायर में देख रहे हैं, रेक्टेंगल मतलब दो साइड में 90 डिग्रीज में आप क्लस्टर आप देखते हो, ये साइड का क्लस्टर, फिर ये कॉर्नर का क्लस्टर है, उसके बाद ये कॉर्नर है और उसके बैक साइड का एक क्लस्टर, तो चार क्लस्टर होंगे। तो चार क्लस्टर का हर एक बिल्डिंग का नाम रखा गया है, जैसे सनराइज, सी ब्रीज, ड्यू, डॉन, ऐसे चार नाम रखा गया है। पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम द व्यू है, विच इज डेवलप्ड बाय अदानी रिलेटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये, जैसे मैंने आपको बताया, इस बिल्डिंग के बीच में गैप है फॉर क्रॉस वेंटिलेशन, और ये एक क्लस्टर है जो कि 90 डिग्री में क्लस्टर है, जिसमें हर एक फ्लोर के ऊपर 9 फ्लैट्स दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 BHK फ्लैट्स। और ये आप देखेंगे ये पोडियम लेवल है, जहाँ पर पोडियम लेवल के ऊपर सारे एमिनिटीज दिया गया है, ये यहाँ पर दिया है, यहाँ पर है, ये भी आप देख रहे हैं सारे पोडियम लेवल के ऊपर है। तो इसके नीचे जो होगा वो ग्राउंड लेवल का पार्किंग होगा और प्लस और नीचे बेसमेंट होगा, दो लेवल का बेसमेंट पार्किंग होगा। तो सारा जो पार्किंग है वो इस प्लेट के नीचे है। तो फ्लैट आप देखेंगे जो जितने भी फ्लैट्स है सारे फ्रेंच कट विंडोज है और डेक के साथ दिया गया है। आफ्टरऑल अदानी रियलिटी है, तो उससे आप इमेजिन कर सकते हो जो कॉम्प्लेक्स का लुक है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी लार्ज साइज स्विमिंग पूल दिया गया है विथ प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन सराउंडिंग एरियाज में, और रात के टाइम स्पेशली जब लाइटें वगैरह जलती है तो कॉम्प्लेक्स और ग्लैमरस लगता है। और भी बिल्डिंग का शेड और कलर आप देखेंगे जो कि लाइट शेड वाइट और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन जो दिया गया है, तो बिल्डिंग का लुक जो है काफ़ी रिच और रॉयल लुक दिखता है। ये अगेन बाहर से इमेज लिया गया है, एलिवेशन लिया गया है, तो जिसमें आप देखेंगे बीच में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए है और पूरे बिल्डिंग में आप देखेंगे फ्रेंच कट विंडोज दिया है, तो जिससे आपको बाहर का व्यू भी बढ़िया व्यू मिलता है। और बिल्डिंग के चारों तरफ पाम ट्रीज दिया गया है, तो काफ़ी ग्रीनरीज है इसके सराउंडिंग में, यहाँ पर वर्टिकल वॉल्स है और पाम ट्रीज चारों तरफ दिया गया है। तो वैसे लुक वाइज अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग का लुक जो है काफ़ी रिच और रॉयल लुक है, और एमिनिटीज भी बहुत बढ़िया एमिनिटीज दिया गया है इसमें, द व्यू बाय अदानी रिलेटर। एमिनिटीज में भी आप देखेंगे ये रूफ टॉप एमिनिटीज है, जहाँ पर आप देखेंगे जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक है और किड्स प्ले एरिया दिया गया है और प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स दिया गया है सराउंडिंग एरिया में। और यहाँ पर कुछ सीट आउट्स एरिया है जिनको अगर जॉगिंग करने के बाद, वॉकिंग करने के बाद थोड़ा रेस्ट चाहिए तो यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। तो जिनको अगर बिल्कुल ओपन एयर में एक्सरसाइज करना है, फ्रेश एयर में एक्सरसाइज करना है, तो उनके लिए वो टेरिस पर आकर यहाँ पर आके एक्सरसाइज कर सकते हैं। फुली इक्विप्ड जिम दिया गया है कॉम्प्लेक्स के अंदर। फ्लैट का साइजेस भी आप देखेंगे काफ़ी बड़ा साइज का फ्लैट दिया है, कारपेट एरिया काफ़ी यूनिक है, और ये सैम्पल फ्लैट जो है डेकोरेटेड सैम्पल फ्लैट है, लेकिन ऑफकोर्स फ्लैट के अंदर आप जितना खर्चा करोगे उतना कम है, लेकिन लुक वाइज अगर आप देखेंगे तो ये लुक है फ्लैट का। यहाँ पर अगर आप एंड टू एंड वॉल अगर आप देखेंगे हॉल पर, तो ये कम से कम 11 फीट का डिस्टेंस है जिसमें लिविंग रूम आपका इजीली बैठ जाता है, और प्लस इस तरफ यहाँ पर डाइनिंग स्पेस के लिए एल शेप हॉल दिया गया है। तो अगेन यहाँ पर आप देखेंगे कुछ जो फ्लैट्स है एल शेप हॉल है, हॉल काफ़ी लंबा है, तो उन्होंने यहाँ पर ओपन किचन कॉन्सेप्ट रखा हुआ है यहाँ पर, जो कि हॉल काफ़ी बड़ा लगता है उससे। फिर ये अंदर का व्यू आप देखेंगे दोस्तों, ये एमिनिटीज का सारा व्यू है, बहुत सारा एमिनिटीज दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स के अंदर, लार्ज साइज स्विमिंग पूल है, और सबसे बड़ी बात है कि डेक दिया हुआ है। डेक में जब आप बाहर आते हो, फ्लैट के बाहर आते हो, तो आपको काफ़ी ओपन व्यू मिलता है सामने की तरफ का, काफ़ी ग्लैमरस व्यू मिलता है, स्पेशली रात के टाइम जब आप देखते हो। तो अदानी दोस्तों ब्रांडेड डेवलपर है, उनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक, एनर्जी, एग्रो, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी, डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो आज हम लोग रियलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं,
जो कि प्रोजेक्ट का नाम है द व्यू एट घाटकोपर ईस्ट डेवलप बाय अदानी रियल्टी। तो ये उनके कुछ ग्लिम्सेस है जो जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं। और अदानी रियल्टी के आप कुछ प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे, जैसे वेस्टर्न हाइट जो है ये पहले उनका प्रोजेक्ट बन चुका है, और यहाँ पर आप देखेंगे एक्लायर ग्रीन्स है, ये भी इनका जो है पुणे में है। उनके प्रेजेंस से गुजरात, मुंबई, पुणे, काफ़ी जगह उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अदानी के कोई भी प्रोजेक्ट के बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, भले फिर वो गुजरात है, पुणे है या मुंबई है, आप कोई भी प्रोजेक्ट के लिए बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे बीकेसी में उन्होंने इंस्पायर बनाया है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये गुरुग्राम में है, अगेन दिस इज़ रेसिडेंटल प्रोजेक्ट, दिस इज़ एस्टर विच इज़ एट अहमदाबाद, अमोगा विच इज़ अगेन एट अहमदाबाद, और ये जो बिल्डिंग है ये द व्यू है जो कि घाटकोपर ईस्ट में है। अब यहाँ पर आप आइसोमेट्रिक व्यू में अगर आप देखेंगे तो ये स्क्वायर में ऐसे बिल्डिंग ऐसे स्क्वायर में है, कुछ एमिनिटीज जो है रूफ टॉप के ऊपर दिया गया है, और बीच बीच में यहाँ पर बिल्डिंग के जैसे ये स्लॉट दिया गया, ये स्लॉट जो है ये आपका ये स्लॉट दिया गया। तो ये स्लॉट होने से क्या होता है कि बिल्डिंग के आसपास में क्रॉस वेंटिलेशन बढ़िया रहता है। बिल्डिंग दोस्तों, कॉम्प्लेक्स दोस्तों, द व्यू जो है ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के काफ़ी नज़दीक है, और यहाँ से आप आउट ऑफ मुंबई थाना क्रॉस कर सकते हो बहुत इजीली, आप थाना की तरफ आप जा सकते हो, या अगर आप साउथ मुंबई ट्रैवल करना चाहते हो तो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आप ट्रैवल कर सकते हो, या अदरवाइज अगर आप वेस्टर्न साइड भी अगर आप जाना चाहते हो तो गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो रहा है, तो मुलुंड LBS मार्ग से एक कॉरिडोर कनेक्ट होगा जो नेशनल पार्क को क्रॉस करते हुए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गोरेगांव ईस्ट में कनेक्ट होगा। तो अगर वेस्टर्न साइड भी आना है इस प्रोजेक्ट से तो आप हार्डली आधे घंटे के ड्राइव पर आप वेस्टर्न गोरेगांव ईस्ट में वेस्टर्न साइड में आप आ सकते हैं। फिर दोस्तों ये मुंबई का लोकेशन मैप है, जहाँ पर इस तरफ आप देखेंगे ये पोर्शन जो पूरा है ये सेंट्रल साइड का पोर्शन है, जहाँ पर ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और उसको लगकर ही ये प्रोजेक्ट है द व्यू। तो इसके नज़दीक में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पेट्रोल पम्प, बिजनेस सेंटर, गार्डन्स, रिटेल्स, रेलवे स्टेशन, जैन दरासर, बैंक्स और रेस्टोरेंट्स, ये सारे कुछ जो USP है इस प्रोजेक्ट का, इसके बिल्कुल नज़दीक में है और विद इन हाफ ए किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही आता है। और इसके नज़दीक में जो बिल्कुल है वो अपकमिंग मेट्रो स्टेशन है जो कि पंत नगर मेट्रो स्टेशन होगा, और वैसे भी मुंबई सारा जो है वो चारों तरफ मेट्रो से कनेक्ट हो रहा है, तो आप मेट्रो से ईजिली आप कोई भी लोकेशन पे आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। और वैसे भी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे अपने आप में काफ़ी बड़ा हाईवे है, अगर आप बाय रोड से भी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो कोई भी लोकेशन पे, कोई भी डिस्टेंस पे आप आधे घंटे के ड्राइव पर आप पहुंच सकते हो। हर एक फ्लैट के साथ दोस्तों डेक दिया हुआ है, तो डेक होने से क्या होता है कि आपको जो बाहर का फ्रेश हवा अगर आपको लेना है, फ्रेश ब्रीज लेना है, कभी भी फ्लैट के अंदर बैठ के आप थोड़ा सा फ्रेश हवा के लिए आप बालकनी की तरफ जाते हो तो आपका मूड फ्रेश रहता है। अदरवाइज भी अगर आप शाम के वक्त अगर आप दो चेयर टीपॉय वगैरह रखकर आप बाहर शाम को बैठ कर अगर आप कॉफ़ी वगैरह लेते हो, बाहर का नज़ारा देखते हो, तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है और ऐसे बैल्कनी होने से आपको मज़ा भी आता है। बैल्कनी का पर्पज़ ही वही है कि फ्लैट में जब पूरा दिन रहते हैं तो थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए आप बैल्कनी की तरफ आते हो, बाहर का फ्रेश एयर लेते हो, बाहर का व्यू लेते हो, फिर फ्लैट के अंदर आप जाते हो। तो दिस इज़ अगेन द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग जो कि 21 माले का टावर है, और आप देखेंगे काफ़ी एलिगेंट और रिच लुक है टावर का। बैल्कनी आप देखेंगे काफ़ी यूज बैल्कनी दिया गया है, जिसमें आप दो चेयर और टीपॉय रख के आराम से दो आदमी आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पर। ये जो व्यू है दोस्तों ये नॉर्थ साइड का व्यू है मुंबई सिटी का, अगर नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ये वेस्ट साइड का व्यू है, और ये जो व्यू है ये ईस्ट साइड का जहाँ से सनराइज है। तो अगर इस साइड का भी व्यू आप लेते तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लंबे टाइम तक व्यू सारा ओपन है सामने की तरफ। और अगर आप नॉर्थ साइड का भी व्यू लेते हो तो बिल्कुल नॉर्थ के साइड ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, जहाँ पर नॉर्थ की तरफ आपको पूरा जो व्यू है वो ओपन व्यू मिलता है। अगेन यहाँ पर फ्रेंच कट विंडो होने से बाहर का व्यू आपको ओपन मिलता है, ब्राइट सनलाइट है और क्रॉस वेंटिलेशन फ्लैट के अंदर बढ़िया रहता है। फ्लैट आप देखेंगे दोस्तों कुछ फ्लैट में एल शेप हॉल भी दिया गया है लार्जर फ्लैट्स में, तो एल शेप होने से आपका डाइनिंग स्पेस आराम से यहाँ पर बैठ जाता है, और डेकोरेशन करने के बाद आपका फ्लैट का लुक जो है कुछ इस तरीके का लुक आएगा। आपको अगर आपको फ्लैट का डेकोरेशन भी इस तरीके का डेकोरेशन करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन दिस इज द इंटरनल व्यू जो मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी ग्लैमरस व्यू है कॉम्प्लेक्स का। लार्ज साइज स्विमिंग पूल दिया गया है, और ये 200 फीट ऊपर जो कि बिल्डिंग के ऊपर रूफ टॉप के ऊपर
जॉगिंग ट्रैक दिया गया है, जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक दिया गया है विदाउट एनी नॉइस पोल्यूशन, विदाउट एनी एयर पोल्यूशन। आप यहाँ पर ऊपर आप जॉगिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, प्लस हाइट के ऊपर, रूफ टॉप के ऊपर आपको प्राइवेसी भी मिलती है इस बिल्डिंग में। तो एमिनिटीज में दोस्तों आप देखेंगे यूनिसेक्स सलून है, मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, क्लब हाउस, जिम्नेजियम, सीनियर सिटीजन लॉन्च, डेडिकेटेड चिल्ड्रन इंडोर गेम्स एरिया, टॉडलर प्ले एरिया, हेल्थ क्लब, शावर एंड चेंजिंग फैसिलिटीज, जंगल जिम फॉर टॉडलर्स, जॉगिंग ट्रैक, लाइब्रेरी एंड आउटडोर रीडिंग एरिया, बोर्ड गेम्स, योगा मेडिटेशन डांस सेंटर, इंडोर गेम्स, मल्टीपर्पज बैंकेट हॉल, पार्टी लॉन, कार्ड्स एंड बिलियर्ड रूम्स, बिजनेस सेंटर विद गेस्ट रूम्स, पूल साइड सिटिंग्स। और एडिशनल एमिनिटीज में आप देखेंगे द वॉक एट 23rd लेवल विच इज वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, एम्पल ऑफ पार्किंग स्पेस इज देयर, ग्रैंड लॉबी एंट्रेंस, प्री सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग, वास्तु कंप्लाइंट होम्स, आउटडोर मूवी एरिया, लैंडस्केपिंग एरिया and electric car charging provision has been given in every parking slot. So this is the image of the saloon, pedicure, library and kids play area or creche you can say, jungle gym for toddlers, yoga and meditation dance center, cards and billiards room, and this is party lawn. So business center for guest room, plenty of parking has been given and all the flats are vastu compliant. And this is the image of the open theater, outdoor movie area, या open theater दिया हुआ है complex के अंदर। So दोस्तों vitrified tiles, premium quality vitrified tiles in the kitchen, a stainless steel sink in the kitchen, premium vitrified tiles, dado tiles up to 600 mm above the kitchen platform, matte finish premium vitrified tiles for bathroom, premium and CP fittings and false ceilings in bathrooms. Weatherproof exterior grade texture paint on the balcony, even inside the flat, door lock, jitne bhi fittings wagara hoge, right from the electric fittings to the wooden flooring and washroom CP and sanitary fittings, jitne bhi fittings hoge, sare branded quality ke fittings hoge isme. So coming to the master plan, yahan par aap dekhenge char cluster hai, ye ek cluster hai, ye dusra cluster hai, ya dusri building aap bol sakte ho, phir teen aur char building diya gaya hai. एक स्क्वायर में चार बिल्डिंग है और हर एक बिल्डिंग में हर एक फ्लोर के ऊपर 9 फ्लैट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सनराइज नाम रखा गया है एक बिल्डिंग का और दूसरे का सी ब्रीज रखा गया है, फिर तीसरा बिल्डिंग जो है वो ड्यू है और चौथा बिल्डिंग जो है वो डॉन है। पूरे प्रोजेक्ट का जो नाम है द व्यू बाय अदानी रियलिटी एट घाटकोपर ईस्ट। तो इसमें जो कारपेट एरिया जो 2 BHK का दिया गया है वो 576 से लेकर 680 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया दिया गया है, जो कि 1.71 CR से शुरू होता है फॉर 576 कारपेट एरिया विच इज ऑल इंक्लूसिव ऑफ प्राइस। और 2 BHK अगेन देर इज अ लार्जर कारपेट एरिया विच इज 715 to 953, विच अगेन स्टार्ट फ्रॉम 2.24 CR विच इंक्लूड्स ऑल योर अदर चार्जेस। एंड 3 BHK 929 is the smallest area, उससे बड़ा भी है 1056, so smallest area starts from 2.87 CR inclusive of all other charges. और finally दोस्तों possession इस building का जो है वो December 2025 में है। तो अदानी के कोई भी project के लिए मुंबई, पुणे, अहमदाबाद के लिए आप booking के लिए आप मुझे phone कर सकते हो and my contact number is 7400138561 and thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel because sharing is caring, and see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.